हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं लुलू। आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पोंडा ट्रेमेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको रेडियो शो के बारे में जानकारियां देने वाले हैं। कुछ दिनों पहले एक दोस्त ने कमेंट किया था कि रेडियो शो के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने के लिए। उससे पहले भी और एक दोस्त ने कमेंट किया था सेम रेडियो शो के बारे में, तो मैंने रेडियो शो का वीडियो बनाया था जो कि ड्रॉइंग शीट में, ओके। लेकिन आज हम आपको लाइव रेशियो के साथ एक 300, एक 200, एक 100 का रेशियो लेंगे, उसमें रेड्यूसर बना के हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं, पहले रेशियो लेके आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्राब है, स्ट्राब से हम दो तीन पीस रेशियो उठाने वाले हैं। ये रेशियो को लेके हम रेड्यूसर बनाने वाले हैं। इसमें हम एक 300 का लेंगे, एक 200 का लेंगे और एक 100 का लेंगे, जो कि मेजरमेंट के लिए 200 और 300 और 100, ये तीन पीस हम निकालने वाले हैं। हमारे कंपनी का कुछ इस तरह से आता है रेशियो, जो कि इसका कॉपलर ये पहले से फिक्स हुआ होता है। ये तो 200 का मिल गया, 300। तो 200 से 100 जाएगा, तो 100 बचता है, ओके।
वो 100 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो 50 mm का आता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये 200, ये 100 है। यहाँ पर मैं पूरा देख लूँ, ये 100, ये 200। ओके, 200 से 100 जाएगा तो और 100 बचता है। 200 माइनस 100 इक्वल 100। ओके, ये जो 100 बचता है इसको हम वन साइड नहीं करेंगे, इसको दोनों साइड से करेंगे, जैसे कि कुछ इस प्रकार से हम रिड्यूस करेंगे। ओके, ये रिड्यूस करने के लिए हमको ये साइड 50, ये साइड 50 बचता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 50-50 बचता है ठीक है, बट ये जो प्लेट का मोटाई है ना, थिकनेस, इसको हम माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, 51 mm करके हम माइनस करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने 100 से स्टार्ट किया, इधर 51 तो टू करो भाई ना, थोड़ा चल लेगा, इधर से भी 51 माइनस करेंगे। ओके, ठीक है, उसी प्रकार से और थोड़ा दूर में हम सेम मार्किंग कर लेंगे, 51 बाद में क्या करेंगे, ये मार्किंग को ये मार्किंग से हम जोड़ लेंगे। बात रहा ये कितना डिस्टेंस वाला बनाएंगे, हम एक्चुअली 45 डिग्री के हिसाब से बनाएंगे तो इसका लुक जो है कि थोड़ा अच्छा नहीं दिखता, इसलिए हम अंदाज से एक मार्किंग जस्ट कर लेंगे यहाँ पर, ये कपलर लगाने के लिए लगा लेते हैं, ये अंदाज से लगा लेते हैं फ्रेंड्स, और एक ये भी अंदाज से, अगर आप चाहे तो इसको 100 mm कर सकते हैं, 100 mm करेंगे, नहीं तो और ज़्यादा करेंगे तो और इसका लुक थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसे मैं अंदाज से ले लिया। ओके, कितना होता है कुछ 120 के आसपास, ये 120 के आसपास जो है ये मार्किंग से हमको इधर लिंक करना है। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह ये साइड भी सेम नकल कर लेंगे, अभी क्या करेंगे इसको नॉट बोल्ट लगाना है। नॉट बोल्ट लगाने के लिए हमको ये प्लेट को थोड़ा सा रखना है जो कि इसके साथ नॉट बोल्ट लगाएंगे, ये यहाँ पर एक रहेगा और यहाँ पर एक रहेगा, तो इधर तक मिल जाएगा, ऐसे कुछ इस प्रकार का आएगा, तो ये प्लेट को थोड़ा सा हम रखेंगे। अभी देख सकते फ्रेंड्स हमको कटिंग करना है ये मार्किंग, ये मार्किंग, ये मार्किंग, और ये मार्किंग से ऐसे लेके ये लेवल में लगाना है, ठीक है, उसी तरह ये साइड भी वही। ओके, अभी बात आता है ये जो चीज़ को हमको ऊपर साइड उठाना है, ऊपर साइड उठाने के लिए हम क्या करेंगे, ये राइट हैंड एंगल की मदद से हम इसको ऊपर साइड उठा लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा बी कट करेंगे, ओके, बी कट करेंगे, मार्किंग कर देता हूँ इसको, छोटा सा, एकदम छोटा सा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा 3 mm के आसपास। अभी बात आता है ये जो कॉर्नर बनता है, ये कॉर्नर के लिए हमको यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट लेना है। ओके, यहाँ से यहाँ मेजरमेंट तो नीचे दिखाओ, नीचे पास में आओ, यहाँ से ये कॉर्नर से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ 120
128 के आसपास हो रहा है, सिर्फ वही 128 यहाँ पर ले लेंगे 128, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 128 होता है, ये यहाँ तक 100, ये तक 20 और ये तक 5, 6, 7, 8 एम एम। ओके, इसको हम फिर राइट एंगल कर लेंगे, राइट एंगल करने के बाद इसको ऊपर उठाएंगे। ये जो कि आई कट सिर्फ होगा, क्योंकि ये स्कोप को घूमना है, ऊपर का भी सेम वही करेंगे। कैमरा किधर है, दिख रहा है? सेम इस तरह। फिर ये साइड मेजरमेंट करके वो भी उठा लेंगे, ये भी सेम 128 हो रहा है। इसको पहले ऊपर उठाएंगे, इधर तो 28 हो जाता है, यहाँ पर ये आई कट, ये भी आई कट, यहाँ पर बी कट, इसके अंदर से एक 2 mm 1.5 mm करके हम लेंगे। ओके, इतना कटेगा तो वो मुड़ जाएगा बराबर से, देखा? तो ये वाला क्या होगा, ये कटिंग नहीं होगा, ये जस्ट बेंड होना है भीतर की तरफ से, ये कटिंग होगा, ये कटिंग होगा, ये इधर तक कटिंग होगा, फिर ये कटिंग होगा, ये इधर तक मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ मार्किंग इस प्रकार से देखिए, ये भी कट है, ये भी कट है, ये आई कट है। ओके, ये वाला। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल पीस कितना बचता है यहाँ पर देख सकते हैं, देखा रहे पाखो को? पास में देखा, इधर ये जगह में देखा, पूरा मिलीमीटर देखा, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम 27 के आसपास, मतलब 1.5 mm करके कम किया है। इधर देखा, टू हंड्रेड से स्टार्ट करके हमने इधर तक लिया। ओके, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, पहले देख सकते हैं यहाँ पर एक कटिंग होने वाला है, ये कटिंग के बाजू में हम एक होल करेंगे, जो कि नॉट बोल्ट जैसे इजीली लगा सकते हैं, एक होल कर देते हैं। ये एक होल हो गया, हम 6 mm का यूज किया है, और वो इसका भी, इसका क्या करेंगे, इधर तक करेंगे, नहीं तो ये पास में लगाएंगे तो हम जो कपलर डालेंगे या कुछ भी ये टच हो सकता है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम। ओके, ठीक उसी तरह ये साइड में भी हम कर लेंगे। और ये दोनों को हमको बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेंड होने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है,
इसलिए हमको बाद में करना पड़ेगा। इसके बाद कटिंग करते हैं। अभी बारी है अभी दोस्तों तो बारी आता है इसको पेंट करने का। लेकिन पेंट करने के लिए हमारा ये 1.5 mm थिकनेस का प्लेट है, जो कि ये जगह पे थोड़ा मालूम चलेगा कि ऐसा है बोलते, जिसका पतला प्लेट है तो वो जगह में मालूम नहीं चलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम पेंट करेंगे। पहले इसको कुछ इस प्रकार से पेंट कर दीजिए। ओके, फिर पेंट करने के बाद इसको अंदर पेंट करना है। अंदर की तरफ पेंट करने के लिए हमको क्या करना है, ये प्लेट को इसका ऊपर चढ़ाना है, ये प्लेट को इसका ऊपर चढ़ाना है, ये अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं चीज अंदर से हमने बैंड कर दिया। ओके, ऐसा करने के बाद इसको ऐसे फुल प्रेस करने के बाद यहाँ होल का मार्किंग कर लीजिए। पहले ये दोनों होल कर दीजिए। ओके, इसको देखिए फ्रेंड्स, मैंने फुल प्रेस करने के बाद इसका मार्किंग करता हूँ। ओके, ये मार्किंग यहाँ पर आया, इधर एक होल करेंगे, ठीक है। ए साइड का उसी तरह इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद किधर वो होल का मार्किंग करता है, ये जगह में होल करेंगे। ओके, ये दोनों जगह अभी आ गया, दोनों जगह आया, तो इसको पहले हम होल कर लेते हैं। अभी ये प्लेट क्या होगा, ऐसे होल मारने का टाइम ऐसे हिलेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ सपोर्ट डाल देते। और ये जगह में आपका अगर ड्रिल मशीन ऐसे ऐसे हिलने वाला है तो आप क्या करें, सेंटर पंच लेके आगे सेंटर पंच कर दीजिए, बाद में होल करिए। उसके लिए हम ये नॉट यूज करेंगे। कैमरा धाम नारायण नारायण दस एकर स्पान रही Thank you.
ଗୁଡ଼େଟା ଓଲ୍ଡି ମାରିଦେଇ ଆଣିଥିଲ ମେସିନ୍ ଏଠି ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା ମାରି ଦେଇଥିଲେ ବି तो दोस्तों ये दोनों होने के बाद अभी इसको पुश करिए, पुश करने के बाद फुल सेम सेम लेवल में रखिए, ये होल का मार्किंग करिए। तो ये दोनों को फिक्स करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सी क्लैंप लगा दिया, अदरवाइज ही आप फुल प्रेस करके डायरेक्ट इसको मार्किंग कर सकते हैं। तो हमको मार्कर का ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ड्रिल करेंगे इसमें। प्लेटा पसीज ଜିନିଷ କେଉଁଠି ତୁ କୁଆଡ଼େ କ୍ୟାମେରା ଧରିଲୁ କ୍ୟାମେରା ତୁ ପା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନ୍ ଦେଉଛୁ ସେଠିକି ତ ୟହାଁ ପର ଦେଖ ସକତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ବୋଲ୍ ପର ଲଗା ଦେତେ ହେଁ ଏ କଟିନ୍ଟା ଯେଉଁ ଭାଇନା ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଲର୍ ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଲା, ଏ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଟିନ୍ଟା କାହିଁକି ପାଞ୍ଚ ଗଣ ଇଆଡ଼େ ପଛକୁ ଦେବା କଥା। उठा ऊपर को ऊपर जा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ऑलरेडी हो गया है, इसको फिनिशिंग करना मानते हैं, इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपके पास ऐसा वाला कॉपलर नहीं है तो आप इसको भी यूज में ले सकते हैं, जो कि डायरेक्ट ऐसा करके आप यूज कर सकते हैं। इसको ऐसा आप पुश करके इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाला कपलर है तो आप इसको डायरेक्ट इसमें पुश कर सकते हैं। ये थोड़ा कटिंग करना पड़ेगा जो कि नॉट वोल्ट टच हो रहा है।
तो दोस्तों क्या है कि हम 1 mm करके जो माइनस किया था ये थोड़ा सा वाइड हो रहा है और 1 mm आपको ज़्यादा कटिंग करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा उसका लुक दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वन साइड तो ठीक है, ये साइड 1 mm के आसपास जो कि बड़ा हुआ है। ओके, ये 1 mm के लिए आपको ये प्लेट को और 1 mm कम करना है। ओके, तो हम देखा था यहाँ पर 97 हो रहा था, ये 96 होगा तो 2-2 mm करके माइनस करेगा तो ये बराबर लेवल पे आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप नॉट बोल्ट कर दीजिए। तो ऊपर का हिस्सा कुछ इस प्रकार से, और ये हम सिंगल नट लगाए बोल के थोड़ा ये साइड जो कि थोड़ा चौड़ा दिख रहा है। ओके, इसको आप डबल नट, ये वाला पीस को लंबा करके आप यहाँ पर डबल नट लगा सकते हैं। डबल नट लगाएंगे तो जो कि ये भागेगा नहीं। ओके, तो बाकी रहा ये 300 का हम बनाने वाले हैं। 300 का बनाने के लिए अभी ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, और पकड़ दो। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, 300 का रेडी सर हम इसका नेक्स्ट वीडियो में छोड़ने वाले हैं। बस आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे और एक नई टेक्निक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं हम। नमस्कार।